हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद चौरसिया में आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम ड्यूटी में हैं और रात्रि का सीन है। अभी अभी जानकारी हमें मिला दोस्तों, अभी बहुत बड़ी अपडेट हमें जानकारी मिला, तो हम सोचे कि आप लोग को ये अपडेट तुरंत जानकारी दे दें, इसलिए कि बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का जो हम आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो बताए थे, तो दोस्तों इसी का बहुत बड़ी अपडेट आया है कि आप लोग का कितना वैकेंसी इसका आने जा रहा है और कब तक के इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, कब विज्ञापन इसका आ जाएगा, ये सारे बातें आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। दोस्तों उससे पहले आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी हमारे इस चैनल पर नए देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से हर एक रिलेटेड वीडियो आप लोग को सही समय पर सही जानकारी मिलते रहे। क्योंकि आप विजिट भी कर सकते हैं दोस्तों मेरे चैनल को, कि बिहार पुलिस से हर एक रिलेटेड, कोई भी रिलेटेड बिहार पुलिस से कोई भी संबंधित जानकारी हो, सारे जानकारी इस चैनल पे मिलता है। तो अगर आप लोग को ये लगे कि आपके लिए चैनल ज़रूरतमंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के विषय पे। तो दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में हम बता रहे हैं, 886 पदों की वैकेंसी आ रही है और उम्मीद है कि 22 सितंबर तक में इसका फॉर्म देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बहुत कम समय है और 99% ऐसा है कि 22 सितंबर को इसका वैकेंसी देखने को मिल जाएगा हर हाल में। तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए पूरी तैयारी में जुट जाइए, कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आप तैयारी कर लीजिए, बिल्कुल तैयारी हालत में रहिए और 22 तारीख को बिल्कुल नज़र CSVC ऑफिस पे आप बनाए रखिए, ताकि आप लोग को सही समय पे जानकारी मिले और सही समय से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को जानकारी देना चाह रहे थे, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे और जान गए होंगे। तो बस आप लोग से यही उम्मीद रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बिहार के जितने भी स्टूडेंट लोग के पास पहुँचे और सभी स्टूडेंट सही समय पर फॉर्म को फिलअप कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी तरह की कोई जानकारी अगर आती है दोस्तों तो जानकारी लेकर आते हैं। फिलहाल दे हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।